हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए देखेंगे हम लोग क्या कि पुष्प के भाग में अब देखेंगे हम लोग कि पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, यानी कि अब हम लोग पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। यानी कि ये हो गया, अब देखिए पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग अब इस चीज़ को ही देखते हैं। तो ये चीज़ जान गए, पहले एक बार देख लीजिए। जो हम लोग पहले देखे वो क्या देखे थे कि सबसे पहले ये क्या हो गया आपका फिलामेंट, फिलामेंट है। इसके बाद ये जो पतला गया वो फिलामेंट, ये जो दिख रहा है वो क्या हो गया हमारा एंथर। एंथर फिलामेंट को तंतु बोला जाता है। एंथर हो गया पराग कोश, और इसके अंदर जो कुछ दाना दाना जैसा दिखता है वो क्या है परागण, परागण। पराकण को क्या बोलेंगे हम लोग, पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन। ठीक है, अब मेल वाले का हो गया, फीमेल वाले को भी याद रखिएगा। तो याद नहीं रखते इसलिए हम आपको लिख दे रहे हैं। ये जो गोल दिख रहा है ये क्या हो गया हमारा अंडाशय, अंडाशय यानी कि ओवरी, ओवरी हो गया। ये हो गया स्टाइल, स्टाइल है यानी कि वर्तिका, वर्तिका। और अब ये वाले ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी कि ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा। सारी चीजों को समझ लिए, अब देखिए कि हम लोग देखते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है। तो पॉलिनेशन होने का नहीं, परागण होने के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि हवा। तो हवा क्या करते हैं कि जब किसी भी खेतों में देखिएगा गेहूं वगैरह लगा हुआ है, तो जो हवा लहराते हैं, यानी हवा से क्या होता है, वो जब लहराता है देखिएगा, जब हवा तेज जाता है तो गेहूं कभी ऐसे तो कभी ऐसे होते रहता है। तो उस प्रक्रम में क्या होता है कि वो पॉलिनेशन का कार्य हो जाता है। फिर दूसरा बात आता है कि भौरे जो होते हैं, यानी कि कीट हो, भौरा हो, इस पे बैठा और इस पे फिर जाके इस पे बैठा, तो उसके पैरों में जो था वो चिपक के इस पे आके बैठ गया, तो वो धीरे धीरे इसमें आके फिर फर्टिलाइजेशन का कार्य कर लेता है। तो उसके माध्यम से होता है, हम लोग कहीं खेतों में घूमते फिरते जाते हैं, सरसों वगैरह के भी खेत में, तो क्या करते हैं कि वहाँ पर छूते जाते हैं। उसमें भी क्या होता है कि वो हमारे द्वारा भी हो जाता है, यानी प्राणी के द्वारा भी हो जा रहा है, हवा के द्वारा भी हो जाता है। ये तो समझ ही लिए, पानी वाले जो जैसे समुद्री घास वगैरह हो गए, या फिर कोई भी समुद्र में जितने सारे घास वगैरह होते हैं, फूल वगैरह भी जो होते हैं, वो क्या होता है कि उसमें पानी के द्वारा होता है। लेकिन वाटर लिली, वाटर समुद्र में ही होता है, लेकिन वाटर लिली पानी में होने के बाद भी, यानी कि किसी भी पानी में हो रहा हो, तो वो पानी में होने के बाद भी वो उस पे कीट पतंग के द्वारा ही पॉलिनेशन का कार्य संभव है, वो कीट पतंग ही उसका करवाता है। तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये समझना कि किसी किसी पौधे में क्या होता है, वो एक लिंगी ही होते हैं। तो वो एक लिंगी क्या है वो समझिए। अगर मान लीजिए कि इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है, यानी कि जयांग और पुमंग दोनों ही है, तो ये क्या हो गया उभयलिंगी, यानी बायसेक्सुअल हो गया। लेकिन किसी चीज़ में, किसी पौधे में, किसी पेड़ में एक ही लिंग हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग एक लिंगी। जिसमें कि दोनों हैं उसको उभयलिंगी। तो देखिए एक लिंगी का उदाहरण से पपीता हो गया, तरबूज हो गया, वैसे बहुत सारे पौधे हैं जिसमें कि एक लिंगी होता है, वो एक ही लिंग उसमें हो रहेगा, या तो स्त्री या फिर पुरुष। तो ये क्या कहते हैं, वो एक लिंगी हो गया। लेकिन जैसे कि अड़हुल का फूल है, जैसे कि आप देखें इस फूल में क्या है, ये बायसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो पीला पीला वाला भाग दिख रहा है ये क्या है कि ये फीमेल पार्ट, मेल पार्ट है, और ये बीच वाला जो दिख रहा है आपको ये क्या है हमारा फीमेल पार्ट है। तो ये क्या हो गया अड़हुल का फूल, ये है उभयलिंगी। लेकिन पपीता जो होता है वो क्या होता है एक लिंगी होता है। तो ये समझ लिए। अब ये देखिए, अब हम लोग क्या चीज़ और जानना है, अब ये देखिए यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए केवल हम आपको फीमेल पार्ट को ही बनाते हैं। ये देखिए ये फीमेल पार्ट है,
चलिए इसको गोल कर दिए, ये फीमेल पार्ट है तो, और यहाँ पे जो होता है वो जो इसमें भरा हुआ है ये मेल पार्ट है। तो पॉलिनेशन का कार्य आप तो देख लिए कि कितने चीज़ मिलके पॉलिनेशन का कार्य कर सकते हैं, यानी कीट पतंग द्वारा हो रहा है, प्राणी द्वारा हो रहा है, जीव जंतुओं द्वारा हो रहा है, किसी के द्वारा भी हो जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कि अगर बात किया जाए कि ये यहाँ से यहाँ पे जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये देखेंगे। जब ये छोटा होता है तो इसको लघु बीजाणु धानी होती है, इसमें छोटे छोटे होते हैं। जब वो परिपक्व हो जाता है तो इसमें दो प्रकार की कोशिका होती है, एक कायिक कोशिका हो गया और एक होता है जिसको बोला जाता है जनन कोशिका। ये दो तरीके की कोशिका इसमें बनती है और इनकी संख्या पुरुष केसर की बात कर रहे हैं यानी कि वुमन की बात कर रहे हैं तो इनमें बहुत सारी संख्याओं में होती है। क्या होता है? परागकण। परागकण क्या होता है कि जब किसी भी पक्षी द्वारा या किसी भी कीट पतंग हवा के द्वारा इस पराग कण का या पराग कोष में, जैसे आप धन कोष में धन भरा रहता है वैसे पराग कोष में क्या है? पराग कण है। तो ये पराग कण जो इसमें भरा हुआ है, इस कण का वर्तिकाग्र पे आना ही परागण कहलाता है। ये हो गया। ये परागण होने के बाद क्या होता है कि इसमें दो तरीके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसमें तीन अंडे होते हैं यानी बीजाणु जो है वो तीन है और इसमें बहुत होते हैं, लेकिन इस नली पे यहाँ पे जब इसको ला के छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे मात्र दो ही नीचे जा पाते हैं। यहाँ पे एक नली होती है, इस नली से क्या होता है कि यहाँ पे दो आ गया, दो आ गया, क्या आ गया आपका? ये मेल गैमिट आ गया। ये मेल गैमिट यानी कि युग्मक, क्या बोल, युग्मक। ये मेल गैमिट को क्या बोलेंगे हिंदी में? युग्मक। और ये फीमेल गैमिट में क्या है? युग्मक है। लेकिन जब दोनों अलग अलग थे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? युग्मक बोलेंगे, क्योंकि वो दोनों ही अलग है। दोनों मिलेंगे तब तो जायगोट का निर्माण होगा। तो ये जब दोनों यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ पे आ गया कितना? दो, दो आ गया। यहाँ पे अंदर में पहले से कितना था? तीन। ये तीन बीजांडे ओवरी में, अंडाशय में क्या रहेगा? अंडा। तो ओवरी में बना अंडा और यहाँ पे भी बना जो वो मेल गैमिट जो बना वो यहाँ से, यानी परागकण क्या है? गैमिट है, युग्मक है, उसी से तो निषेचन होगा। तो ये जब यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे आ जाता है और आने के बाद क्या करता है, ये इस वाले के साथ एक मादा का जो युग्मक है और एक जो कि नर का युग्मक है, यानी कि मेल का जो गैमिट आया और फीमेल का गैमिट, ये दोनों मिलके क्या करेगा? जायगोट का निर्माण करेगा। ये जायगोट बनेगा और जायगोट से भ्रूण बनेगा, बीज बनेगा और फिर बीज बनने के बाद फल बन जाएगा। तो ये चीज हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये बचे जो तीन, ये तीन जो है उस तीन को क्या करता है, ये तीनों एक तीनों जब मिलता है तो इसको पोषण देने का कार्य करता है। इसको क्या बोलेंगे? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म देखिए मेल वाले भी हम लोग देखते थे कि मनुष्य में या फिर जानवरों में भी जो होता है वो मेल वाले को स्पर्म बोला जाता है, फीमेल वाले को ओवम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या, दोनों गैमेट ही है। तो यहाँ पे जो मेल वाला आया है वो दोनों मिल के क्या बना है? इंडोस्पर्म बना, स्पर्म। तो यहाँ पे भी जो है वो स्पर्म ही है क्योंकि ये मेल गैमिट है। इस मेल गैमिट से यानी परागकण क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से निकला हुआ कण, यानी कि वो स्पर्म ही है। तो वो आके ही इसको फर्टिलाइज करता है मादा को। तो ये मादा अंडा को कौन, यानी कि जो फीमेल वाला जो ओव्यूल था उसको क्या किया, यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया, जायगोट का निर्माण किया। अब किसी बच्चे के लिए क्या होता है कि उसको पोषण दिया जाता है। ये पोषण की जो आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है किसी भी भ्रूण को बड़े होने के लिए, पलने के लिए पोषण की आवश्यकता है। ये पोषण कौन देगा? ये इस वाले जो बचे हुए, इस वाले गैमिट से जो होता है कि ये वाले जो गैमिट दोनों मिलके जो बनाए, ये दोनों मिलके ही क्या करते हैं, इस भ्रूण को पोषण देते हैं, फिर बीज बनता है, इसके बाद फल बन गया। तो ये चीज़ होता है। लेकिन देखिए फल बनते बनते क्या होता है कि कभी ऐसा चीज़ को देखें कि फल भी बन गया, फूल वैसे ही खिला रह गया,
नहीं होता है। जब तक कि फल तैयार होता है तब तक फूल मुरझा गया होता है, बाह्य दलपुंज भी मुरझा गया होता है और फल का निर्माण कर देता है। तो ये चीज़ होता है कि फूल उस समय उस तरीके से नहीं लगे रहते हैं, अगर लगे भी रहेंगे तो छोटा सा मुरझाया हुआ लगेगा कि हाँ उनमें तो जान ही प्राण नहीं है, क्योंकि वो तो जो है वो तो फल का निर्माण कर चुके हैं ना, फूल जो है फल का निर्माण कर चुके हैं। अब एक सवाल और भी है, ये चीज समझिए, तो एक चीज और समझिए यहाँ पे कि जब ये दोनों था अलग अलग तो गैमेट था, दोनों जब इसमें आके यहाँ पे मिल गया तो क्या बन गया, जायगोट। फिर दोनों जायगोट मिल के क्या किया कि एक बच्चे का निर्माण कर दिया, भ्रूण। जब तक कि कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है तो उसको भ्रूण ही बोला जाता है। जब तक है कि फल का निर्माण नहीं कर दे, बाहर नहीं आ जाए, फल नहीं बन जाए, तब तक क्या होता है वो भ्रूण ही रहता है, एम्ब्रायो ही रहता है, इसके बाद वो फल का निर्माण कर लेता है। ये समझ गए यहाँ पे क्या हो गया, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिल गया जायगोट। इसके बाद क्या होता है कि बन गया, और जायगोट बनने के बाद एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बनने के बाद बीज, बीज में फल। तो ये चीज ऐसे ही क्रिया चलते रहता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है कि वो सोचिए कि अगर यहाँ से कोई पत्ती को इस वाले पराग कण को झड़ जाए, इस पे अगर आ जाता है तो वो कितने देर तक जो है अंकुरण की क्षमता को रखता है, इसकी जो प्रजनन क्षमता है वो कितनी देर की होती है। तो ये फूल पर निर्भर करता है, पौधों पर निर्भर करता है कि कितनी देर तक रहता है। जैसे कि ये फूल हो गया, यानी ये सब जो फूल होते हैं उसमें जैसे गेहूँ वगैरह हो गया, गेहूँ जो ज्वार मकई जो सब होता है वो उसमें आधा घंटा ही होता है, 30 मिनट में वो क्या होते हैं कि उनकी क्षमता खो जाती है, यानी कि वो समझिए कि एक तरह से उनकी अब सांस प्राण नहीं चल रहा है, यानी कि वो अब रिप्रोडक्शन का जो कार्य हो रहा है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें हो रहा है वो नहीं कर सकते हैं अगर वो 30 मिनट में पहले ख़त्म हो गए। लेकिन क्या है उनमें कि 30 मिनट के अंदर ही वो फर्टिलाइज कर देती है, यानी वो अपनी क्षमता का यूटिलाइज कर लेते हैं, तो 30 मिनट ही होता है। लेकिन जैसे कि सेलोनेशी जो होते हैं उस वाले फैमिली के जितने सारे होते हैं और भी बहुत सारे फैमिली के जो कि पौधे हैं वो महीनों तक उनकी क्षमता रहती है। जैसे सेलोनेसी फैमिली का आ गया आपका बैंगन हो गया, आलू है, टमाटर है, धतूरा है, ये सब सेलोनेसी फैमिली के हैं और भी बहुत सारे हैं। तो वो सब क्या होता है महीनों तक प्रजनन की क्षमता को बनाए रखते हैं झड़ जाने के बाद भी। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए ये पराग कण जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्या होती है इसमें कि एनर्जी होती है, यानी कि बहुत ही पोषण है। ये अभी हमारे देशों में तो नहीं लेकिन पश्चिमी देशों में इसकी दवा आती है जो धावकों को जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है जिनको, उनको ये दवा दी जाती है, बी पोलेन करके दवाई आता है, आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं। तो ये होता है कि ये क्या करता है कि पश्चिमी देशों में इसकी प्रचलन हो गई है, इससे इस पराग कण से क्या बनाया जा रहा है, दवाई, सीरप, ये सब किस लिए, एनर्जी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो ये चीज़ हो गया। कुछ ऐसे भी होते हैं खरपतवार ही है, जैसे गाजर, क्या बोलते हैं उसको, बन गाजर बोला जा सकता है या गाजर फूल बोला जा रहा है। तो वो उसमें क्या होता है कि गाजर के जैसा ही गांच होता है, बहुत ही गंदा स्मेल करता है उसका पत्ता, बन गाजर उसको बोलते हैं हम लोग, कि वो बन गाजर जो होता है उसमें क्या होता है कि उसको हाथ से अगर तोड़िएगा ना तो इतना हाथ महकता है, वो एलर्जी उत्पन्न करता है, उससे एलर्जी होती है और बहुत ही खतरनाक एलर्जी है वो, पार्थेनियम बोला जाता है उसको इंग्लिश में। ये पार्थेनियम क्या होता है कि बहुत ही गंदा स्मेल करता है, उससे श्वसन संबंधी यानी जिस रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, ये पार्थेनियम बहुत ही ज़्यादा मतलब एलर्जी उससे हो जाता है। तो ये क्या यानी कि बहुत सारे पराग कण क्या करते हैं, एलर्जी भी कर देते हैं, तो वो जो होते हैं पार्थेनियम उससे हो जाता है और इससे क्या होता है श्वसन सांस लेने में दिक्कत होगा, बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। तो ये पराग कण जो होता है कि उस तरीके के भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व भी पाया जाता है। अब जान लेते हैं परागण क्या हो रहा है, कैसे हुआ, निषेचन हो गया, फल भी बन गया। लेकिन अब एक चीज़ समझना है कि परागण के कितने प्रकार होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक जो पॉलिनेशन जो जान रहे थे हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, तो उसी चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे अच्छे से, ये याद रखने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं। तो ये परागण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं,
ठीक है, तीन प्रकार के, दो ही नहीं होते, तीन प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है कि बताते हैं आपको, जब एक ही पुष्प पे, यानी कि एक ही जो पुष्प बनाया जा रहा था, जो आपको बनना बताए यहाँ पे हम, कि एक ही पुष्प है, ठीक है, यहाँ पे चलिए थोड़ा सा उल्टा हो गया, चलिए देखिए, ये एक ही पुष्प के और उसी से हो जा रहा है, यानी देखिए यहाँ पे कि ये देखिए एक ही फूल का है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल है, और इस पराग कोष में भरा हुआ पराग कोण इसी में आ जा रहा है, इस वर्तिकाग्र पे आ जा रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इसको बोलेंगे हम लोग कि ये ऑटोगेमी है, यानी ऑटोगेमी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वपरागण बोल सकते हैं, स्वयुग्मन बोल सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन भी बोला जाता है। तो ये क्या हुआ, एक ही फूल पे, यानी इस पर से ही, इस पे ही हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा कि इस पर से ही अगर इसी पे हो जा रहा तो वो ऑटोगेमी है, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन हो गया। फिर बात करते हैं कि ये दूसरा वाला क्या हो रहा है, कि इसी एक ही पौधा है, उसी में जो डाल निकला हुआ है उससे नया फूल निकला है, उस फूल पे हो रहा है, यानी इस फूल से इस फूल पे जो हो रहा है, इस फूल पे जो लेके आया भौरा द्वारा या किसी भी माध्यम से, इस पर से इस पे आ गया, एक ही गमला का है याद रखिएगा। तो ये जो हो गया उसको क्या बोलेंगे, गाइटनोगेमी बोलेंगे, यानी सजात पुष्प से परागण हो रहा है, क्योंकि ये वो एक ही में है, तो ये हो तो रहा है आपका पर परागण की जैसा ही, से पर परागण भी इस फूल से दूसरे फूल पे होगा तो पर परागण है, तो इस पे भी एक ही फूल से दूसरे फूल पे हो रहा है, क्रिया इसकी हो रही है पर परागण के जैसा ही, क्रॉस पॉलिनेशन की जैसे ही, लेकिन ये हो रहा है एक ही गमले में हो रहा है, एक ही गमले के पौधे से हो रहा है, इसीलिए इसको सजात पुष्प परागण बोला जाता है, यानी कि गाइटनोगेमी बोला जाता है। इसके बाद देखिए ये दूसरा चीज हो गया, तीसरा, अगर इस फूल से आपका इस वाले पे हो रहा है, ये तो दूसरे गमले की फूल है, दूसरा पौधा है, अगर इस वाले से इस वाले पे हो रहा है तो क्या होगा कि इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इस वाले से अगर इस पे हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीनोगेमी बोलेंगे, ये जीनोगेमी हो गया, यानी कि पर निषेचन बोला जाता है इसको, क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं, पर परागण बोला जा सकता है। तो कितने प्रकार से परागण हुआ, तीन प्रकार से हुआ, एक हो गया आपका ये स्वपरागण या स्वयुग्मन ऑटोगेमी हो गया, दूसरा गाइटनोगेमी हो गया जो सजात पुष्प परागण है, एक ही गमले के पौधे हैं और उससे उसी गमले के पौधे में दूसरे फूल पे हो रहा है पर परागण के जैसा, लेकिन एक ही गमले पे, इसलिए सजात पुष्प परागण हो गया। दूसरा हो गया क्या कि ये दूसरे गमले का फूल है लेकिन सेम ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका सूर्यमुखी का फूल है तो वहाँ पे दूसरा फूल है, ये सूर्यमुखी का फूल है लेकिन ये दूसरा पौधा है, इस पौधे पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जीनोगेमी बोलेंगे, यानी क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण, पर निषेचन, ये हो गया। तो अब एक चीज़ और समझिए कि क्या इसमें पॉलिनेशन करने के लिए, यहाँ पे अगर कमल का, गुलाब का फूल रख दिया गया, निषेचन अगर करवाना है, गुलाब का फूल है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई दूसरा फूल है, मान लीजिए अड़हुल का ही फूल है, तो क्या अड़हुल के फूल पे कोई पक्षी जो है उसे बैठ गया और बैठ के इस पर फिर आके बैठता है, तो क्या वो निषेचन होगा, क्या इसमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, वो उसकी ही जाति की होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आ भी गया कोई भी पक्षी या कीट पतंग, इसको इस परागकण को, दूसरे फूल के परागकण को इस फूल पे ला के रख दिया और इसकी जाति का नहीं है वो, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे आ तो गया है लेकिन उससे निषेचन नहीं होगा, वो अंदर नहीं जा सकता है। तो चलिए हम लोग इस तरह से फूल में परागण भी पढ़ लिए, फूल के भाग भी पढ़ लिए और सारे चीज़ों को अच्छे से समझ लिए। तो चलिए आज का क्लास ओवर हो गया, थैंक यू सो मच।